माय चैनल नीलू स्टाइल कॉर्नर। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे फ्रेंड। तो ये मेरा आफ्टर 6 मंथ बाद मैं जा रही हूँ मार्केटिंग करने के लिए। सो फ्रेंड मुझे 6 मंथ हो गए हैं जब से मैं मार्केट नहीं गई हूँ, तो मैं थी रास्ते पे थी तो सोचा आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ। तो बस मैं वही आप लोगों को अपने बाहर जो मार्केट जा रही हूँ तो रास्ते का व्यू आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। चलते हैं मार्केट और वहाँ पे आप लोगों को लेके चलते हैं और दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ मैं आज परचेज करने जा रही हूँ। तो कुछ खास चीज़ है जो कि मैं लेने जा रही हूँ, अगर अच्छा लग गया सब कुछ तो ज़रूर परचेज करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और शुरू से एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। सो फ्रेंड चलिए चलते हैं मार्केट और वहाँ का व्यू आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ मैं। सो फ्रेंड आज वेदर बहुत अच्छा था और काफ़ी क्लाउडी सा वेदर था, मतलब कि सूरज भी निकले हुए थे बट ऐसा था ना कि ये गर्मी नहीं थी ज़्यादा, और बाहर गर्मी थी, गाड़ी में तो नहीं लग रही थी गर्मी क्योंकि एसी चल रही थी, ऑब्वियसली गर्मी क्यों लगेगी गाड़ी में। और बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा था तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। तो काफ़ी ग्रीनरी थी और बारिश तो ज़्यादा नहीं हुई है बट जो भी हुई है तो उसी की वजह से थोड़ा बहुत ग्रीनरी सी हो गई है चारों तरफ। और धान वगैरह लगाए जा रहे हैं खेतों में, तो खेतों में काफ़ी ज़्यादा पानी वगैरह भरा हुआ था, तो अभी आगे चल करके वो भी आप लोगों को सब कुछ दिखाऊँगी। तो ये देखिए, तो और नहर वगैरह भी है, नहर भी काफ़ी ओवरफ्लो होकर के चल रही थी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था व्यू, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। एक छोटी सी मार्केट बीच में पड़ती है तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया वहाँ का भी व्यू। और काफ़ी सारी राखियाँ वगैरह लगी थी, राखी तो हर जगह दिख रही थी क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है तो राखियाँ तो दिखेंगी ही। और मेरा ये ब्लॉग हो सकता है रक्षाबंधन वाले दिन ही आप लोगों को मिलेगा, तो छोटा सा ब्लॉग है देख लीजिएगा। और काफ़ी दिनों के बाद मार्केट जा रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दूं। और ये देखिए नहर है तो नहर का व्यू भी शेयर कर दिया, काफ़ी ज़्यादा पानी था और पानी इतना ज़्यादा देख करके काफ़ी डर लगने लगता है। और यहाँ पे देखिए ये मार्केट है और हम लोग पहुँच गए हैं मार्केट, तो राखी वगैरह लेंगे और एक दो सामान जो लेना है वो लेंगे क्योंकि बेटू के लिए कपड़े भी लेने हैं। बेटू एक ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्कूल में, तो उनके स्कूल में जो कुर्ता पजामा लगना है तो वो ड्रेस भी लेनी है हम लोगों को, तो बस वही छोटी मोटी चीज़ें कुछ लेनी है। और एक बहुत बड़ी चीज़ लेनी है जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं आज, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ज़रूर ले लेंगे। और तो बस आगे आप लोगों को पता चलेगा कि क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट से आगे निकल गए हैं, तो चलिए चलते हैं अब आगे क्या सामान लेने जा रही हूँ। तो बस बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, फुल वॉच कीजिएगा शुरू से एंड तक, तभी पता चलेगा कि क्या है मेरे ब्लॉग में। तो बस ये देखिए मार्केट का कुछ व्यू है रास्ते का ऐसे, तो वो शेयर कर दिया। और यहीं पास में ही गुरुद्वारा है तो मैंने सोचा उसका भी व्यू आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। तो ये गुरुद्वारा है और काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा था और यहाँ एक बार हम लोग आ भी चुके हैं और इसके बाद में मैन मार्केट में पहुँच गए थे हम लोग, तो वहाँ पे थोड़ी देर गाड़ी खड़ी कर दी थी और इन्होंने बोला आप लोग क्या करोगे, नीचे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी बाहर निकल करके, तो आप लोग गाड़ी में बैठो और मैं अभी लेके आता हूँ। तो बेटू डैडी फ्लैग वगैरह लेने के लिए गए हुए थे तो फ्लैग वगैरह लेकर के आ गए हैं वो, और इसके बाद में हम लोग जाएंगे शोरूम में। तो किसके शोरूम में जा रहे हैं तो आगे आपको पता चलेगा। देखिए हम लोग शोरूम पहुँच गए हैं, तो बस यहाँ पे बैठे हैं, हस्बैंड थोड़ा बात वगैरह कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो बस मैं भी बैठी हुई थी, मैंने कहा सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। तो सो फ्रेंड ये देखिए शोरूम है, ह्यूंडई का है शोरूम और यहाँ पे हम लोग आए हैं कार वगैरह देखने के लिए कौन सी कार ले रहे हैं। तो हस्बैंड का बहुत दिनों से मन था कार लेने का और हमारे पास में हैं भी दो कार हैं लेकिन अब उन्हें नई लेनी है एक कार, तो बस उसी की वजह से हम लोग आए हुए हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर टेस्ट ड्राइव वगैरह करने के लिए हम लोगों ने ये कार देखी है। तो जो कार देखी है कुछ इस तरीके से है, ऊपर से खुलती है ये और इसमें सनरूफ वगैरह है तो बस इस तरीके से खुल जाती है। और काफ़ी अच्छी कार थी और फंक्शन भी इसके काफ़ी अच्छे थे और नया मॉडल था ये कार का। तो कौन सा मॉडल है मॉडल मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, वो बाद में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक सेपरेट ब्लॉग देखने को मिलेगा जब हम लोग कार लेने के लिए जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने टेस्ट ड्राइव ली है, दो तीन हम लोगों ने
कार वगैरह देखी हैं, तो कौन सी उनमें से सिलेक्ट की है वो बाद में आप लोगों को पता चलेगा जब इसके बाद में जो भी ब्लॉग आएंगे या जब गाड़ी आ जाएगी उसके टाइम पे, क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग पे है अभी वो चीज़। तो देखिए कुछ इस तरीके से, तो हाईवे में आ गए हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छे टेस्ट ड्राइव लिए और हस्बैंड को काफ़ी अच्छा लगा और तो उन्होंने सोचा, बहुत दिनों से कह रहे थे कार ले लूँ, मैंने कहा आपको लेना है, आपको चलाना है तो आप ले लीजिए, तो बस वही इसी वजह से आए हुए थे। तो अचानक प्रोग्राम बन गया तो आ गए यहाँ पे। तो बताइए कैसी लग रही है कार ये, और काफ़ी अच्छे इसके अंदर के फीचर्स जो थे काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छा इसका सारा कुछ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, अंदर से स्पेस बहुत था इसमें। तो बस इसके बाद में फिर हम लोग अपने घर के लिए आ गए थे और थोड़ा बहुत कुछ खाया था हम लोगों ने रेस्टोरेंट में, मोमोज वगैरह खाए थे, बेटू ने डोसा खाया था, तो बस खा के और बस थोड़ी मैंने अपनी मेडिसिन वगैरह ली और फिर इसके बाद में हम लोग घर के लिए निकल आए थे। तो बस घर के लिए आधे रास्ते आ गए हैं, तो बस अपने शहर भी पहुँच गए हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से मेरा एरिया है मेरे यहाँ का। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करी, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड ये था मेरा आफ्टर 6 मंथ फर्स्ट शॉपिंग ब्लॉग, तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।